एक पिता ने अपने 5 महीने की गर्भवती बेटी को चाकू से उसका गला काटकर मार डाला। दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक पिता ने अपनी 5 महीने की गर्भवती बेटी को चाकू से मार डाला। इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यह घटना है झारखंड में धनबाद के गोविंदपुर की। गोविंदपुर में एक राजकुमार नाम का व्यक्ति रहा करता था और वह अपने घर में अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहा करता था। उसकी बेटी का नाम था खुशी और उसकी उम्र थी 20 साल। दोस्तों उनका समय अच्छे से गुजर रहा होता है और जो राजकुमार होता है वह बिजनेसमैन है, यानी कि डीलरी का काम करता है, प्रॉपर्टी डीलिंग का, और उनका समय अच्छे से गुजर रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसे की तंगी नहीं है, घर परिवार अच्छे से चल रहा है। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट जब आता है, जब राजकुमार के घर के सामने एक परचून की दुकान होती है, ग्रोसरीज की दुकान, वहाँ पर एक पड़ोस का ही लड़का जिसका नाम है अजय, वह उस दुकान पर आने लगता है सामान वगैरह लेने के लिए। अजय की उम्र है 22 साल और वह पड़ोस का ही रहने वाला है। दोस्तों राजकुमार के घर के सामने वह परचून की दुकान थी और उस परचून की दुकान से राजकुमार के घर में स्पष्ट दिखाई देता था, यानी कि ऊपर वाली छत पर ऐसे ही दिखाई देता था। अब क्या होता है, राजकुमार की जो लड़की होती है जिसका नाम खुशी होता है, वह उस अजय से आंखें मिलाने लगती है क्योंकि सामने ही परचून की दुकान थी। उन दोनों में एक दूसरे से बातें होने लगती हैं और दोनों ही खुशी और अजय एक दूसरे को अपना फोन नंबर व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं। जैसे ही फोन नंबर एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं तो अब वह घंटों घंटों एक दूसरे से फोन पर बातें किया करते हैं, व्हाट्सएप पर कॉल किया करते हैं। दोस्तों इस बात की खबर खुशी के पिता राजकुमार को अभी तक नहीं थी। इसी तरह से उनका समय गुजरता रहता है और 5-6 महीने गुजरने के बाद राजकुमार को अपनी बेटी की करतूत के बारे में पता लगता है और वह अपनी बेटी से कहता है कि तू आखिर कर क्या रही है, ये पड़ोस का मामला है। उसकी बेटी अपने पापा से कहती है कि मैं तो इससे शादी करूँगी अजय से, और मैं इसी से शादी करूँगी, मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी। इस बात को सुनकर राजकुमार गर्म हो जाता है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं, घर में कलेश हो जाता है। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो अजय होता है वह खुशी से बातें करता है कि मैं अपने घर वालों से बात करके देखता हूँ, हमारी शादी करवा दे तो हम एक साथ रहेंगे। तो अजय अपने घर वालों से बात करता है, अजय के घर वाले भी मना कर देते हैं इस शादी से और कहते हैं कि ये पड़ोस की बात है, ऐसे शादी नहीं हुआ करती हैं। दोस्तों उसके बाद जो खुशी होती है अपनी मम्मी से कहती है कि हमारी शादी करवा दीजिए अजय के साथ, लेकिन उसकी मम्मी नहीं मानती है और उसका पापा भी तब तक नहीं मानता है। कुछ समय जब गुजर जाता है तो उसकी मम्मी उससे हामी भरने लगती है कि ठीक है तुम्हारी शादी अजय से हो जाएगी लेकिन तुम्हारा पापा नहीं मानेगा। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, उसके बाद खुशी यह सोच लेती है कि ये पापा हमारी शादी नहीं होने देगा और ना ही अजय के घर वाले हमारी शादी होने देंगे, हमें मिलने देंगे एक दूसरे से। फिर वो दोनों प्रेमी और प्रेमिका अजय और खुशी घर से भागकर शादी करने का प्लान बना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद वह दोनों घर से भाग जाते हैं, कोर्ट में शादी कर लेते हैं और गांव के ही बाहर एक मकान किराए पर लेकर वहां पर दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। इस बात से राजकुमार का दिल बिल्कुल टूट गया था और वह अपने आप को कोसने लगा था कि मैंने ऐसी बेटी पैदा की है जिसने ना मेरी इज्जत देखी, ना मान ना मर्यादा देखी। दोस्तों समय गुजरता है, उनकी शादी को 9 महीने हो जाते हैं और 9 महीने से वह अपने अलग घर में रह रहे थे, बाहर गांव से बाहर मकान लेकर रह रहे थे। 9 महीने गुजरने के बाद जब 9 महीने गुजरते रहते हैं तो जो खुशी होती है वह अपनी माँ से फ़ोन पर बातें किया करती है और उसकी माँ भी उससे बातें किया करती है, माँ बेटी की बातें चलती रहती हैं। 9 महीने गुजरने के बाद जो खुशी होती है वह 5 महीने की गर्भवती हो जाती है और वह 5 महीने की जैसी गर्भवती होती है तो खुशी की माँ अपने पति राजकुमार से कहती है कि क्यों ना अपनी बेटी को वापस बुला लें, जो उसने गलती की थी कोई बात नहीं, हम माँ बाप हैं, गलती को माफ़ करना हमारा फर्ज है। तो उसका पति जो राजकुमार होता है वह हामी भर लेता है कि ठीक है बुला लो। दोस्तों वह अपनी बेटी खुशी को वापस बुला लेते हैं, अब खुशी उनके पास रह रही है 1-2 दिन से। उधर जो अजय होता है वह भी अपने घर वालों से बात करता है और उसके घर वाले भी अजय को वापस बुला लेते हैं कि ठीक है तुमने गलती तो की है लेकिन घर आ जाओ। दोस्तों अब क्या होता है, अब वो दोनों आमने सामने ही रह रहे हैं, यानी कि जो अजय का घर था वो पड़ोस में ही था, यानी कि खुशी की जो ससुराल थी वो एक घर छोड़कर ही थी। अब खुशी अपने पति के घर भी चली जाया करती है और अपनी माँ के पास भी मिलने के लिए आ जाया करती है। इसी तरह से अब समय गुजर रहा है।
दो चार दिन गुजरते हैं तो उसकी माँ खुशी को अपने घर बुला लेती है कि मुझे तुमसे कुछ काम करवाना है, तुम मेरे घर आ जा, मेरे पास आ जा। खुशी अपनी माँ के पास आ जाती है और शाम जब होती है, शाम को खुशी और उसकी माँ और उसका पापा जिसका नाम राजकुमार था एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी खाना खाते खाते राजकुमार पुरानी बातों को याद करने लगता है और खुशी से कहने लगता है कि तूने ये हमारे साथ अच्छा नहीं किया था, भाग करके जो तूने शादी की थी। उसी बात को लेकर दोस्तों फिर खुशी अपने बाप को जवाब देने लगती है और उसका पिता जो राजकुमार होता है वह खुशी से गुस्से से बात करने लगता है। इसी तरह से दोनों बाप बेटी में गर्मा गर्मी हो जाती है। उसके बाद जो उसकी मम्मी होती है खुशी की, वह राजकुमार को अंदर ले जाती कमरे में और वहाँ पे सुलह आती है बेड पर और कहती है कि झगड़ा मत करो, जो होना था वो हो गया। दोस्तों राजकुमार अपनी चारपाई पर लेट जाता है लेकिन उसके दिल में कलेजे में कसक सी बन गई थी कि लड़की ने एक तो गलत काम किया और मैं जब इससे कह रहा हूँ तो ये उल्टा गुथने के लिए और आ रही है, उल्टा लड़ने के लिए और आ रही है मुझसे। तो अब राजकुमार के कलेजे में एक ठसक सी बैठ गई थी और वह बदला लेना चाहता था। रात को सो जाते हैं, सुबह होती है तो सुबह राजकुमार अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने ज़मीन खरीदी है, चलो उसको देख कर आते हैं। और अपनी बेटी खुशी से भी कहता है कि खुशी तुम भी चलो ज़मीन को देख कर आते हैं, हमने नया प्लॉट लिया है। तो वह दोनों माँ बेटियों को अपने साथ प्लॉट दिखाने के लिए ले जाता है। वहाँ जाकर खुशी जैसे कि ज़मीन को देख रही होती है, पीछे से राजकुमार अपनी जेब में से चाकू निकाल कर उसके बालों को पकड़ कर उसकी गर्दन को चाकू से काट देता है। और दोस्तों उसकी बेटी खुशी वहीं पर तड़प तड़प कर गिर जाती है और थोड़ी देर में मर जाती है। इस बात को देखकर जो राजकुमार की पत्नी थी वह बेहोश हो जाती है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठे होते हैं और पुलिस को बुलाते हैं और राजकुमार की पत्नी को यानी कि खुशी की माँ को हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं और खुशी मर ही चुकी थी और राजकुमार वहाँ से फरार हो चुका था। दोस्तों अब पुलिस राजकुमार को ढूंढ रही है। तो आप क्या कहना चाहोगे, क्या राजकुमार ने ये सही फैसला लिया था या फिर उसकी बेटी गलत थी? आपको कौन गलत लगता है यहाँ पे? या फिर प्यार करना गलत है, जो पड़ोस में प्यार करते हैं गलत है? आपको क्या लगता है किसकी गलती है यहाँ पर? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों ऐसी घटना के ऊपर हम वीडियोज़ बनाकर लेकर आते हैं और हम उम्मीद यही करते हैं कि आपको हमारी घटनाओं के सच्चाई के ऊपर आधारित घटनाओं के वीडियोज़ अच्छे लगते होंगे। नेक्स्ट वीडियो में वो जल्दी फिर से लेकर आऊँगा आपके समक्ष। तब तक आप खुश रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, रिश्तों को बनाकर रखिए। जय हिंद, जय भारत।